नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंबई की पेडलर रोड पर जब एक पत्नी ने अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो उसने पूरी रोड जाम कर दी। आइए पहले दिखाते हैं आपको वो वीडियो। वीडियो में जहां महिला गाड़ी को रोकने के लिए उसके आगे खड़ी होकर चिल्लाते हुए दिखती है, वहीं वो अपने पति के बाल खींचते हुए भी दिख रही हैं। वो महिला अपने पति को वहां से साथ लेकर ही गई। ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते के बीच में बाधा डालने के जुर्म पर महिला का चालान भी काटा। उसके बाद महिला और उसके पति को पुलिस थाने भी लेकर गई। पुलिस ने दोनों से पूछा, वो किसी तरह की कार्रवाई चाहते हैं, पर दोनों ने साफ तौर पर मना कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कोई ना कोई विवाद सामने आता ही रहता है। अब सोमवार सुबह वेस्ट बंगाल के हेमताबाद में बीजेपी के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव सड़क किनारे लटका हुआ मिला। देवेंद्र नाथ रॉय का शव सड़क किनारे एक दुकान के बाहर लटका हुआ मिला। बीजेपी ने इस मामले पर ममता सरकार पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, देवेंद्र नाथ रॉय पहले सीपीआई की टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या के मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा और अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ममता बनर्जी के राज में बीजेपी नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा है। सीपीआई छोड़कर बीजेपी में आए हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या कर दी गई। उनका शव फांसी पर लटका मिला। विजयवर्गीय ने यहां एक सवाल भी किया कि क्या उनका गुनाह सिर्फ बीजेपी में आना था। यहां आपको ये भी बता दें कि करीब 2 हफ्ते पहले ही वेस्ट बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी नेता पवित्रा दास गोली लगने से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करी है। अंत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, जो सुनने को मिली है अमृतसर के गोल्डन टेंपल से। जहां एक तरफ इस महामारी के समय पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमृतसर के गोल्डन टेंपल में कुछ मुसलमानों ने एकता की मिसाल कायम की है। गोल्डन टेंपल की सामुदायिक रसोई गुरु रामदास लंगर को वहां के मुस्लिम समुदाय ने करीब 330 क्विंटल अनाज दान किया। मुस्लिम साझा के अध्यक्ष नासिर अख्तर ने कहा है कि अमृतसर के गोल्डन टेंपल में किसी भी धर्म, जाति और रंग के लोगों को मुफ्त में लंगर कराया जाता है। ये गुरु दरबार की बहुत अच्छी महानता भी है। उनका कहना है कि उसी के चलते हमें भी इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा, सिखों और मुसलमानों के बीच सहयोग गुरु के समय से है और अब इसे और मजबूत करने का समय है। अलग अलग धर्मों और जातियों के इस देश में ऐसे कार्य मानवता और एकता का प्रतीक दर्शाते हैं। ऐसी ही कुछ लेटेस्ट न्यूज और अपकमिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द विवरण। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।